ए बी सी डी आप अपना देख लीजिएगा, सेट ई एफ एस जी एच, ये लैंग्वेज पेपर के लिए है। 130 तक आपका सारा लैंग्वेज का है, उसके बाद आपका हिंदी का है, इसके बाद ये सारे सब्जेक्ट का है, उसके बाद लैंग्वेज के बाद आपका उर्दू है, बंगाली दे सकते हैं, ये आपका जनरल स्टडी का जारी हो चुका है, जनरल स्टडी वाले अपना दे सकते हैं, ये आपका ई सेट हो गया, एफ हो गया, जी और एच हो गया, ऑलरेडी ए बी सी डी आपका वो पहले हो चुका था, तो इसलिए आपका इन लोगों ने दिया है। इस तरह से 150 क्वेश्चन का आंसर की जारी हो चुका है। इसमें क्या है, नोटिफिकेशन को हम जानते हैं, नोटिफिकेशन को हमें क्या लिखा है, मैंसर किया गया, आप पढ़ते हैं आप लोग के लिए, चलिए चलिए समझते हैं इनके बारे में। ये जो विज्ञापन संख्या है आपके और अध्यापक भी आपका नियुक्ति पत्र 1 to 5 के लिए, आपको 1 to 5 के लिए आपका लिखित ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, भाषा और सामान्य अध्ययन के लिए यानी जनरल स्टडी वाले के लिए, उत्तर आपका है 28/8 को यानी 28 आज आज की डेट में वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। उपयोग परीक्षा में सम्मिलित जितने भी अपेयर उम्मीदवारों को जो सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न पत्र पर उत्तर में आपत्ति हुए अपने यूजर आईडी पासवर्ड में से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आप किसी को भी, मान लीजिए ये आपका आंसर की है, आपका ये आंसर की आप लोग का ये मान लीजिए ई का, ये क्वेश्चन आपको ये नहीं है, आपको पता है 83 का जो है सी ओ बी पी एस सी गलत दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, 82 का गलत दिया है, कोई भी एक क्वेश्चन का, 2-4 क्वेश्चन का अगर गलत दिया है तो उसको आपको आपत्ति करने के लिए यानी जो ऑब्जेक्शन जिसको कहते हैं, यूजर आईडी आपको पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आपका 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक यानी 4 दिन का समय दिया गया है, आपत्ति का प्राथमिक और साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं, उक्त निर्धारित तिथि के प्रावधान आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी अगर आप 5 तारीख के बाद 5 सितंबर के बाद अगर आपत्ति करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इस पर आपको विचार नहीं किया जाएगा। अभी कोई भी शुल्क के बारे में क्या शुल्क होगा इसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की शायद मे बी चेंजेज होगा, तो लोग अपना मैच करना शुरू कर दीजिएगा, जिन लोगों का भी आ चुका है खासकर पीआरटी में 1 to 5 6 आंकड़ा आ चुका है, 6 to 8 9 का 30 सितंबर को देखने को मिलेगा, बाकी 9 से 10 11 से 12 का आपको 2 सितंबर को देखने को मिलेगा। ये जितने भी पीआरटी वाले हैं स्टूडेंट हैं, आप अपना आंसर की मिलाइए और इसी वीडियो में जा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके रियलिटी में जो आप पहले कैलकुलेट करके 75 बता रहे थे, 85 बता रहे थे रिसेंटली, कई लोग अभी क्वेश्चन किए भी थे इससे पहले वीडियो में, मेरा 75 पीआरटी में बन रहा है, फीमेल हूँ, तो अभी आप मिलाइएगा तो आंसर की के बाद आपका क्या नंबर बढ़ा है, 2 क्वेश्चन का जवाब या घटा है, जरूर आप लोग बताइएगा आपके नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मीन वाइल अभी अब लाइव हैं तो आप पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सभी लोग अपना अपना आंसर की डाउनलोड करके, ये आंसर की हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, वहाँ से जा करके आप अपलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, या फिर हम आपको यहाँ से लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, लिंक प्रोवाइड कर देते हैं यहीं पर, जो लोग अभी कनेक्टेड हैं डायरेक्ट जो लाइव अभी हैं सभी लोग को आपको मिल जाएगा बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, यहाँ से आप क्लिक करके आप देख लीजिएगा पीआरटी वाले जितने भी लाइव अभी हैं, ये आपको लिंक में प्रोवाइड कर देता हूँ, दोनों जा करके आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, सभी लोग अपना आंसर की देख करके आप बताइए, सभी लोग कितने आपके आंसर सही हुए, 5 से 6 मिनट 10 मिनट आपका जितना भी समय लगता है आप मिलाइए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन मिलाइए। ओम आर सीट आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा तो 2 मोबाइल रखिए अपने पास, 1 से 2 3 मोबाइल रखिए और एक पेज निकाल करके कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए, 2 मोबाइल रखिए, दो किसी भाई बहन हो या फिर किसी का भी ले लीजिए और वहाँ से मिलाना शुरू कर दीजिए, या फिर आपके समकक्ष मैं आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से भी मिला सकते हैं आप लोग, पहले लैंग्वेज का मिला लीजिए, इंग्लिश का आपका 10 क्वेश्चन का था, 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे, 8 क्वेश्चन इंग्लिश का, उसके बाकी क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, सभी लोग आप लोग मिला करके देखिए कितने सही हुए हैं। चलिए सभी लोग अपना आंसर की जरूर बताइएगा कितने सही हुए हैं, मैंने आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया है, कहाँ से लिंक है क्या है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसी को हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, जो लोग भी कनेक्टेड हैं टेलीग्राम ग्रुप में, इस वीडियोज को और इस सारी चीज़ों को आंसर की जारी हो चुका है, आप लोग का अब कटअप जो है रियल आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट नंबर आपका कितना बन रहा है, एग्जैक्ट नंबर कितना बन पा रहा है आपका। चलिए मैंने शेयर कर दिया, जितने भी लोग 520 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं उन लोग को पता चल जाएगा।
आगे कंटिन्यू करते हैं बीपीएससी का आपका, हम एज यूजुअल जो आपको क्वेश्चन पेपर हम कराते थे वही हम कंटिन्यू करेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन रहेगा मीन बाइल, अपना डाउट्स जो भी रहेगा आप पूछ सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, कल यहाँ तक मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाया था। आगे कंटिन्यू करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हरप्पन नगर में आपको जूते हुए खेतों के आपके निशान मिले हैं? तो किसमें मिला आपको? कालीबंगा में मिला। अगर आपका कोटेप से ज़्यादा भी नंबर आता है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन ये आपको काम आएगा, यानी ये वीडियोज काम आएगा, ड्यू टू नॉलेज आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको देखिए व्याख्या। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित आपका बनवाली है, बनावाली जिसको कहते हैं, से पक्की मिट्टी की आपका हुई पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आपका प्रतिकृति प्रतिकीपी या एक प्रतिकृति का है मिली है। कंपात की खाड़ी में आपका भोगबाज जिसको नदी के किनारे बसा हुआ है, के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का आपका है हनुमानगढ़ आपके जिले में घग्गर नदी के किनारे आपका स्थित आपका है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावेला से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला पट मिला है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं, निम्नलिखित में से किस हरप्पन आपके नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो आपको कहाँ? कालीबंगा में मिला। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, ठीक है, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा कहाँ पड़ता है आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपके कोई ऑप्शन है, आर डी बनर्जी बिल्कुल ये मोहनजोदड़ो के है, के एन दीक्षित ये भी आपका है, और एस एम एस वत्स ये भी हैं, बी ए स्मिथ नहीं थे, बी ए स्मिथ आपको कोई भी संबंधित उत्खनन से नहीं थे। 1921 में आपका हड़प्पा या दयाराम सरस्वती के द्वारा हदगर्दी, आपसे याद रख सकते हैं हदगर्दी, यानी हड़प्पा को दयाराम सहनी ने आपको खोज किया था, हड़प्पा के वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया रहा था। फिर 1926 से लेकर के 27 वर्ष में आप से लेकर वर्ष 1933-34 में माधो स्वरूप में वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो आपका एक खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी, इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जिसे के एन आपका विद्वान है, के एन दीक्षित आपका, अर्नेस्ट मैकेल ऑरेंज आपका, स्टीन ए एन घोष, जे पी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज के मिलने महत्वपूर्ण योगदान रहा। अतः स्पष्ट है बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, ये बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, बी ए स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बोगज कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है, किस लिए महत्वपूर्ण है? तो वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, बोगज कोई का, बोगज कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। बोगज कोई जो है एशिया माइनर में आपके 24वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों से जैसे थे, जैसे जो सिंधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र मित्र और वरुण नाथ देवताओं का आह्वान करते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलान करना है, आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग का, आंसर किया आप लोगों ने मिलाया होगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, जरूर आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके अब रियल में सही हुए हैं, 5, 10, 20, 25 कितना आप सही हुए आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्थल आप मिलाइएगा बताइएगा जितने लोग अभी हैं आपका। चिरांत कहाँ पर है आपका? बिहार में, सबसे पहले जो आपको आता है उसको मिला लीजिए, तो वो आपका बी का फोड़।
चलिए बताइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उतनूर। उतनूर आपका कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में। उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका है गुफकराड़, आपका पूरा तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पेरमल्ली, आपका है कश्मीर में। ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा अच्छे से। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। उतनूर आपका तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में, आपका छपरा में पड़ता है। जो आप आता है एटलीस्ट वो आप मिला लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं बी का थर्ड, बी का थर्ड आपका सॉरी चिरांद, बी का फोर, बी का फोर है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ से भी आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, बी पी सी आपका सी डी पी ओ में आपका 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। एंड गुफ कराल कश्मीर में है, पल्ली आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको महाजनपद है और महाजनपद की राजधानी से मैच करना है। चलिए आगे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करते हैं। आंसर की जारी हो चुका है, यस आंसर की आप लोग का जारी हो चुका है, जो लोग पूछ रहे हैं आंसर की आप लोग का जारी हो चुका है। आप लोग जरूर आप लोग देख लीजिए अपना अपना आंसर की। चलिए यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं आंसर की, मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया। पीपीएससी की साइट पर आप जाएंगे, सबसे पहले आप रिफ्रेश करेंगे, आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके। जनरल स्टडी का है, बाकी हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा और ये सारे अपलोड हो चुके हैं। चलिए आपत्ति के लिए आपको 3 दिन का 4 दिन का समय दिया गया है, 2 से लेकर के 5 तक आप उसको आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, आपत्ति कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका महाजनपद और उसको मिलान करना है, जिसे आपका मल मल की राजधानी कहाँ था? कुशीनार। नेक्स्ट पर आपको देखते हैं अंगा, अंगा आपका कहाँ पर था? अंगा आपका है चंपा में, अंगा आपका चंपा, ये अंगा बिहार में आपका चंपा, ये भागलपुर के आसपास में पड़ता है। नेक्स्ट गंधार, गंधार गंधार कहाँ पड़ता है? अंग नरेश आपका देख करते हैं ना, अंग का आपका कर्ण, कर्ण अंगराज कर्ण जिसको कहते हैं, महाभारत में आपने कई लोगों आपने सुना होगा, यहीं पर पड़ता है आपका। नेक्स्ट गंधार, गंधार आपका है तक्षशिला में, तक्षशिला ये आपको पड़ता है आपका, ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है ये। नेक्स्ट है वर्ष, ये राजा तक्ष ने इसको बनाया था तक्षशिला, और ये पूरे एशिया को पूरे विश्व को पढ़ाने का कार्य करते थे। सबसे पहले आपका जो खुला था आपका, जिसमें आपके जिसमें बच्चों के रखने का यानी रहने का व्यवस्था यानी लॉज की व्यवस्था या अपनी हॉस्टल की व्यवस्था हुआ करता था, वो पहले सबसे पहले आपको पूरे विश्व में बता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले पूरे विश्व को हॉस्टल की व्यवस्था कहाँ पर थी, हॉस्टल के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पर थी पूरे विश्व में, तक्षशिला या नालंदा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कुछ समय बाद बताऊँगा। बस आपका कौशाम्बी में पड़ता है, अगर आप मैच करेंगे तो मल का आपका कुशीनगर हो गया, अंग आपका हो गया चंपा, गंधार आपका तक्षशिला, एंड बस आपका हो गया कौशाम्बी, ये सारे मिलाएंगे तो ए का 4 इस तरह से आपको मिल करके आ जाएगा। एक का भी आंसर याद रहेगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका महाजनपद है राजधानियाँ, मल क्या हो गया कुशीनगर, अंग चंपा, कंधार तक्षशिला, एंड बस आपका कौशाम्बी। चलिए हॉस्टल का लिए बता देता हूँ, कुछ किसी ने आंसर भी किया है, यस नो में भी, यस नो में भी, चलिए कई लोग अभी कर रहे, सभी लोग अपने अपने आंसर मिला रहे होंगे शायद। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर हॉस्टल किसी ने स्टार्ट किया था पूरे विश्व में तो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको 19 नंबर, बताइएगा प्रसिद्ध आपका 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये आपका पर्शनी की नदी पर लड़ा गया था, पर्शनी। 10 राज युद्ध जिसको कहते हैं, या 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध कहें या फिर 10 राजाओं का युद्ध, पर्शनी नदी जो कि वर्तमान में रावी जिसको कहते हैं, यहीं पर रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने आपको झंडा फहराया था, और आपने 26 जनवरी को हम डिसाइडेड किए थे कि हम उस दिन स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे।
जिसमें भरत ने पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर, यही रावी नदी के तट पर हुआ था। चलिए, 10 राजाओं का युद्ध भी यहीं पर हुआ था, कोरिलेट कीजिएगा, जिसमें से भारत के जन राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक सांग को हराया था। इन सभों ने आर्यों के प्रमुख जन है, जिसके अनु आपका द्रुगुरु यदु पुरु दुर्भुषु और 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित था, जिनको पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके पुरोहित अगर देखेंगे, जो पुरोहित किसको कहते हैं, पुजारी को, पंडित, इसका पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलता है, 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था ये, तो इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं इसमें से सभी, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका लोहे का प्रयोग जो है कोई भी प्राचीन तंत्र थी इसमें निश्चित नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा। ये देख सकते हैं 68 BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गंगा के क्षेत्र को, अर्नर, तत्सिला, तत्सिला तो विश्वविद्यालय, चोल, उपयोग में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर है ई, इनमें से एक से अधिक। TRE में आपको खास के लिए बताया जाता है कि एक से अधिक वाले जो ये उपयुक्त में से सही है, आपको ये अपने लिए सेफ रखता है, अपने लिए सेफ रखता है। एनी हाउ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, नहीं इसका साक्ष्य देख लिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण भाग का क्षेत्र मगध के रूप में जाना जाता था। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ये अभी तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास यहाँ पर पड़ता है। चोल है आपका गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। अर्नर्थ आपका महाभारत में वर्णित प्राचीन काल में भारत में वैदिक कालीन का साम्राज्य था। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय शताब्दी आसपास में के आसपास में रचित संस्कृत अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील के कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया था, हर्ष ने, कनिष्ठ ने, रुद्रदामन ने, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर है आपका, तो इसका रुद्रदामन ने करवाया था। कब करवाए थे, 130 से लेकर के 150 ईसा पूर्व का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर करवाया था। तो कहाँ जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, तो गुजरात में अपने गिरनार पर्वत पर है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हुआ था ये, यानी कि उसमें छपाई हुई थी, उत्कीर्ण मतलब उसको छपाई जिसका हुआ था लिपि में। संस्कृत भाषा का अभिलेख ये अब तक का प्राकृतिक संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन इसको बताया जाता है, सबसे पुराना बुढ़ा। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांधे के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। तो किसके कौन से झील के अभिलेख मिलता है, तो सुदर्शन झील आपको प्राप्त होता है, ये रुद्र रावण के जूनागढ़ के अभिलेख। नेक्स्ट है, ये कहाँ गुजरात में पड़ता है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये आपके गुप्त कला के हैं, चंद्रगुप्त कला में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करते थे। देवगढ़ आपका ये झारखंड में पड़ता है, अभी रिसेंटली आपका सावन कंप्लीट हुआ, तो वहाँ शिव भगवान की काफ़ी अच्छे से पूजा होती है और जला वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। चलिए, देवगढ़ का दशावतार जो है मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आपका जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन कला की है। वहीं इलाहाबाद अगर देखेंगे तो इलाहाबाद प्रयागराज राजगढ़वा के जिले में जो निर्मित आपका गढ़वा जो है ये भी गुप्त कला का ही है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, सोम को किसको है, तो नौमा मंडल ये आपको समर्पित है सोम को। ऋग्वेद के कुल टोटल 10 मंडल हुए हैं, जिसमें नौमा मंडल में 14 सूक्त यानी सोम को समर्पित थे। सूक्त मतलब जो आपके उनकी पंक्तियाँ या फिर उनकी जो इतने भी भाषा हुआ करते थे, यानी उनके लिए जो मंत्रों का उच्चारण जिसको कहते हैं, वो सोम को समर्पित था। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, यानी सोमरस जिसको कहते हैं, जिसे मूछ बंत और चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मंडल में चारों वर्णों की आपका उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। चार वर्ण कौन से थे, तो आपके विष्णु अवतार यानी विष्णु जी के मुख से निकलने वाले आपका होंगे, मुख से निकलने वाले ब्राह्मण होंगे, छत्र आपका भुजाओं से निकलने वाले आपके क्षत्रिय होंगे, और जांग से निकलने वाले आपके होंगे वैश्य, और पैरों से निकलने वाले शूद्र होंगे, ये चार वर्ण। और ये सारे कर्म के आधार पर हुआ करते थे, कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। इन्हें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक संहिता का नौमा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो ये सारे समर्पित थे सोम और इसके पेयजल का नाम कृत देवता को, नामक कृत जितने भी देवता है, सोम देव के जितने भी सोम ये पीने खाने वाले भी देवता हुआ करते थे, सोचिए। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऋग्वेद से मुंडकोपनिषद से लिया गया है ऋग्वेद। इसके जो है रचे गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से मिल उल्लिखित है, इसके रचनाकार
यह विश्वामित्र कौन से, विश्वामित्र यह मंत्र है आपका तृतीय मंडल से लिया गया, तीसरे मंडल से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत सोच सकते हैं, जब किसी के कोई अंग्रेज जो है नंगू पंगू होकर के घूमता था और हम लोग क्या क्या करते थे, हमारे जो हिंदू या कह सकते हैं सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय के, वो वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने जो भी दर्शन दिया आर्यभट्ट हो गए या फिर आपका अभी जो बताएंगे ये या वैशेषिक हो गया, योग हो गया, सांख हो गया, पतंजलि हो गया, ये सारे हमारे जो है गुरु या साधु संतों के द्वारा दिया गया था, वो उसमें के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो कह दिए सत्य ही तो सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय दर्शन ने आपके परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो योग ने, नाय ने, सांख ने, वैशेषिक ने, इसका सही जवाब होगा वैशेषिक ने। वैशेषिक जो है दर्शन के अनुसार जो है देश से आपका सृष्टि का निर्माण जो है परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कनाद का इस दर्शन के प्रवर्तक थे, तो वैशेषिक कौन है, तो वैशेषिक के कनाद इसके प्रवर्तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुई, तो ये आपका कुंडलग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है। महावीर स्वामी का जन्म है कुंडलग्राम जो है कुंडल पूरा आपका वैशाली में हुआ है, वैशाली और लगभग 599 ईस्वापूर्व में इसका इनका जन्म हुआ। माता का नाम त्रिशला है, वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की आपके चेतक की बहन थी ये, तथा पिता जो है सिद्धार्थ, या हालांकि गौतम बुद्ध का नाम वास्तविक नाम था पुराना नाम सिद्धार्थ, अब इनके पिता का नाम है तो कोरिलेट कीजिएगा, आपका सिद्धार्थ पिता है जो कि छात्रिक आपके जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई जो है आपके नंदी आपका वर्धन थे। और कुछ प्राचीन संस्कृत की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व मानती है, जो कि अभी रिसेंटली में 599 ईसा पूर्व, एग्जैक्ट इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग मान लीजिए दोनों, इसी जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आपको लगाना है, ठीक है। इसी आधार पर अनेक अन्य आपका प्रशासकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म उन्हें 599 से ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के यानी पुराने थे, वो ज़्यादा ओल्ड थे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नहीं 563 एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में महावीर जी का जन्म है 599 ही प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, महावीर जैन की मृत्यु अभी मैंने बताया पावापुरी, एंड महावीर स्वामी स्वामी का जन्म 599 स्वामी विशाली के निकट हुआ था और कुंडलग्राम में, इनके पिता सेम चीज़ रिपीट किया गया है, बज्जी के संग थे। 527 ईसापुर में उनके 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में उनकी शरीर त्याग किए थे वो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग आंसर की देखें या नहीं यस नो में भी जरूर बताइएगा, आंसर की हैव यू सीन और नॉट, आंसर की आ गई है, हाँ जी आंसर आंसर की पीआरटी की आ गई है, हाँ जी आ गई है, आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको दिखा भी दिया है, आप लोग फिर से देख लीजिए, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये देख लीजिए आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया है। बीपीएससी को आप देखिए यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, कुछ मिनट पहले ही ये सारी चीज़ अपलोड हुई है। आप लोग अपना अपना आंसर जरूर मिला करके बताइएगा कि पहले आप लोग का आंसर कितना आ रहा था, अब कितना आ रहा है, ताकि फिर आपको सारी चीज़ बता सके, कोई डिफरेंस है, किसी का नंबर बढ़ा है या घटा है, आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, आपको ज्ञान भी मिलता जाएगा साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अपडेट भी मिल रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जिन लोगों को कंटिन्यू करना होगा क्वेश्चन कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं करना होगा आप लोग आंसर जाकर मिलाइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे या अशुद्ध थे, आगे कंटिन्यू करते हैं, या फिर बिलीन थे या प्रभाष, इनके जो दामाद ही हुआ करते थे प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के जन्म क्षत्रिय वंश में जमन आपका सामंत सिद्धार्थ के यहाँ, जो कि 599 ईसा पूर्व में हुए। उनकी पत्नी जो है यशोदा, नाम यशोदा है उनका, उनसे जो है आपके एक पुत्री प्राप्त हुए जिनका नाम था प्रियदर्शना, नाम के एक पुत्री उत्पन्न हुई, उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था, अपने ससुर का अनुयायी बन गया था, उनका प्रथम शिष्य यही बना था। नेक्स्ट है, अगर बुद्ध के बारे में पूछे, बुद्ध का अगर प्रथम शिष्य से बात करें तो आनंद हुआ करते थे, आनंद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म कहलाता था, तो आपको 14 पूर्व जो आपको है उसको कहते थे, 12 अंग नहीं बल्कि 12, ये सारी चीज़ें 14 पूर्व प्राचीन जैन धर्म है, जो कि अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय भद्रबाहु संघ के क्षेत्र के अध्यक्ष थे, ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त आपको 14 पूर्वों के आपको पूर्वों के विषय के में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलिए आप लोग आंसर की जरूर देखकर बताइएगा कि आंसर की आपका मैच होने के बाद क्या नंबर आपका घटे हैं या बढ़े हैं,
ये कितने नंबर बढ़ घटे हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, जरूर आप लोग बताएगा आंसर क्या आ चुका है। निम्नलिखित में से पीआरटी का सिर्फ 5 ही आया है, पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा करता है, तो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा में ओके मेन अंतर है, बाकी सेम चीज़ है। अहिंसा पर जोर देना इनका भी है, जाति विहीन समाज है, कोई भी जाति धर्म इसमें नहीं रहता है, अस्तूप की पूजा से ये सारी चीज़ें दूर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान जो है बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं और मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों समय में मूलभूत अंतर है। इनका विभाजन कहाँ पर हुआ, कुंडलगढ़ में, जम्मू में, आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों के साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन यानी वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का पहला उपदेश दिया। इस उपदेश प्रथम उपदेश में को धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यह उपदेश आपका जो था दुख के कारण यानी कि रूट कॉज एनालिसिस जिसको कहते हैं, दुख का अंत दुख के समाधान से संबंधित था। यानी सबसे बड़ा चीज़ है क्या, दुख कॉमन चीज़ है, दुख के कारण क्या है भाई, क्यों आप दुखी हो, लाल पीला हड़ा के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में, लड़का लड़की के चक्कर में है तो लड़की लड़के के चक्कर में, तो बेटा बेटी के चक्कर में, माता पिता बच्चों से परेशान है, आसपास के पड़ोसी से परेशान है, ये सारे इच्छाएं सबसे बड़ी चीज़ें हैं इच्छाएं। जिसकी इच्छाएं खत्म वो सबसे ज़्यादा सुखी है। यहाँ पर आप लोग क्यों यहाँ पर तत्पर हैं, परेशान अपने ताकि बीपीएससी अधिकारी बन जाए, और अधिकारी बनने के बाद एक रुतबा होगा, एक तरह से आपका भोकाल होगा आपके आसपास में गांव में मोहल्ला में अगर देखेंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से आप लोग करेंगे, आपके भी गाड़ी में आपके सारे जगह आपको इस तरह से लिखे होंगे, बीपीएससी शिक्षक आप बन चुके होंगे, और आपके बाइक पर, आपके स्कूटी पर, आपके जो भी एक 2-व्हीलर 4-व्हीलर पर आपने भोकाल अपना बना करके इस तरह से आप चल लेंगे। अदगर गलगी राय छलकत जाए, ये कहावत आप पर भी सार्थक होगा। आप बनिए, यानी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आप कुछ में होगा, ज़्यादा ज़्यादा आप बनिए, पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनिए, पीएम बनिए आपके, लेकिन नम्रता आपके जीवन में होना चाहिए हमेशा। नम्र जितना रहिएगा, जितना विनम्र रहिएगा उतना आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई दिन आई डोंट थिंक आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा। आप लोग अपना अपना जो भी है डॉट्स 53 नंबर है ईबीसी फीमेल में, चाहे चांस है क्या ईबीसी का बता देते हैं, ईबीसी पीआरटी वाले जितने लोग हैं एक बार बता देते हैं सभी लोग का, यही रहने वाला है आपका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी संभवतः यही रहने वाला है। एक बार डाटा हम आप लोग को पब्लिश करेंगे आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और यूट्यूब पर भी आप लोग को शेयर करेंगे, आप अपना शेयर कीजिएगा। ईबीसी का देखिए यूआर का आपका 75 से लेकर 80 के बीच में रहने वाले, इनकी संख्या हालांकि घटेगी यानी कट ऑफ इसमें डाउन होगा थोड़ा, 65 से आपका 70 के बीच में आपका रहेगा फीमेल का। ईडब्ल्यूएस अगर आप मेल में हैं तो अगर 65 से लेकर 70 के बीच में है और 70 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर आपका 55 से 60 के बीच में है तो आपका चांसेज है, 60 प्लस अगर आपका फीमेल में है तो आपका हो जाएगा। ईबीसी आपका है 62 से 65 के बीच में है, 65 है तो आपको चांसेस बनेगा। फीमेल में आप 52 से लेकर 56 में है। आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, अभी आप लोगों क्वेश्चन क्या पूछे थे, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी किसी का। प्रियंका शर्मा जी का क्वेश्चन है, 53 नंबर है ईबीसी फीमेल में, तो आपका आंसर मिल गया होगा। ईबीसी फीमेल में अगर आपको 53 में तो चांसेज है आपका, चांसेज है 56 अगर आपका आंसर अगर आपका की मिलाने के बाद आ जाता है 56 प्लस होता तो आपको सेफ जोन में रहते, लेकिन 53 में आपके चांसेज अभी हैं। बीसी वाले जितने भी मेल हैं 68 से 72 के बीच में रहेगा, बीसी फीमेल में अगर आपका 58 से 62 रहेगा, एससी वाले देख लीजिए 58 से 60 के बीच में रहेगा मेल का, और 50 से लेकर के 53 आपका रहेगा फीमेल का, और एसटी वाले 58 से 60 के बीच में रहेगा, और ये आपका 48 से 52 आपका फीमेल का रहेगा एसटी वाले। अगर आपको 52 प्लस है